नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक नई जगह लेके जाऊंगा। आज नहीं, आज से कंटिन्यू 4-5 दिन तक। आप ये जगह देख के थोड़ा अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि ये जगह कौन सी जगह है। जी हाँ दोस्तों, ये दुर्गा पूजा का पंडाल है। आज पंचमी है तो इसलिए अभी उतना सब दुकान बैठा नहीं है, पर स्टार्टिंग है आज से। कल परसों षष्ठी सप्तमी में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा सौ दुकान भी होंगे और लाइटिंग भी होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली में जितने दुर्गा पूजा होता है सबको तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, जितना मेरे से हो सके मैं करूँगा। ये जो आप पंडाल देख रहे हो, ये सियार पार्क के ब्लॉक का पंडाल है। इसमें बहुत बड़ा एरिया लेके ये पंडाल होता है। इसमें डिफरेंट टाइप का आपका शॉप में खाने का दुकान मिलेगा। फिर यहाँ पर बहुत सारे लेडीज़ लोगों के लिए आइटम मिलेगा। फिर बच्चों लोगों के लिए यहाँ पर झूला भी मिलेगा। खाने का तो बहुत सारे वैरायटी है, आप मैं बोल नहीं सकता, बहुत सारे खाने का वैरायटी है, आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग में इसलिए गया था क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले फर्स्ट डे है, आज पंचमी है, इसलिए भीड़ कम होगा, पहले आप लोगों को वो जगह दिखा दूँ। ये लोग, इन लोगों को ढाकी बोला जाता है। ये लोग सेम ड्रेस पहनते हैं दुर्गा पूजा के 9-10 मिनट तक, और इनका ढाक भी थोड़ा अलग, इनको ढाक बोला जाता है। जब हम लोग यहाँ पर शादी में जो बजता है उसको ढोल बोला जाता है। इस ढाक का थोड़ा आवाज़ भी डिफरेंट होता है, मैं वो भी आप लोगों को सुनाऊँगा कि इसका आवाज़ कैसे होता है। ये जो ढाक का आवाज आप सुन रहे हो, ये ढोल से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसीलिए जब यहाँ पर हम लोगों को शादी में जो बजता है उसको ढाक कहते हैं, ढोल कहते हैं, और इसको ढाक कहते हैं। ये देखिए, बहुत सारे होम डेकोर का भी बहुत सारे आइटम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे शॉपिंग का ऑप्शन होगा यहाँ पर, खाने से लेके होम डेकोर से लेके लेडीज का बहुत सारे आइटम मिलेगा। ये देखिए, ये लोग एक ही उसमें बजाते हैं, एक ही ताल में, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पंचमी बंगालियों का स्टार्टिंग होता है, एक्चुअली होता षष्ठी से है, लेकिन पंचमी में भी आजकल बहुत जगह दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है, पंचमी से स्टार्टिंग होता है। ये मैं धीरे धीरे शाम होने हो रहा था, उस टाइम लाइटिंग भी ऑन हो रहा था, मैं थोड़ा चारों तरफ घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना बहुत ह्यूज पार्क है, ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पर शाम के टाइम में 8 बजे के करीब यहाँ पर प्रोग्राम भी होता है, बहुत सारे आर्टिस्ट भी आते हैं बॉम्बे से, कैलकाटा से, जो लोग सारे गामा पा करते हैं या जो मूवी में सॉन्ग जो गाना गाते हैं वो लोग भी आते हैं यहाँ पर गाना गाने के लिए। ये इनको हॉट डॉग खाने का मन हुआ था, इसलिए हम लोग एक हॉट डॉग के शॉप में आए थे। ये सारे दुर्गा पूजा के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, लाइन से सारे शॉप आपको मिल जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। ये देखिए हॉट डॉग का प्राइस मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे खाने के लिए। ये देखिए जैसे हॉट डॉग है, उसके बगल में और एक शॉप है, यहाँ पर भेज कुछ था, उसके बाद वो अगरबत्ती का एक शॉप था। ऐसे डिफरेंट लाइन से आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएगा देखने के लिए। अभी भी पूरा स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी तो आज रात या कल से सारे स्टार्ट हो जाएंगे, आज तो स्टार्टिंग डे है इसलिए। और ये जो जगह आप देख रहे हो, ये यहाँ यहीं पर प्रोग्राम होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम होता है। अब हम लोगों ने उसके बाद वहाँ से निकल के अब हम लोग मेला ग्राउंड दूसरा पंडाल में आ गया था। ये मैं बाहर से आपको पंडाल दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है यहाँ पर।
इसको बोलते हैं मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा, ये रहा मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा, ये भी बहुत बड़ा एरिया लेके होता है। ये पंडाल का काम देखिए, ये सारे थर्मोकोल के ऊपर पेंट करके डिजाइन करके बना हुआ है। ये लाइन से शॉप आपको दिखा रहा है, दुकान आपको दिख रहा है, ये देखे चाह। और ये है मेन पंडाल जहाँ पर पूजा होता है। ये दुर्गा दुर्गा प्रतिमा देखिए, ऊपर का काम देखिए इन लोगों का कितना। और इनका इनका जो पंडाल करने के लिए स्पेशली कलकत्ता से आदमी को बुलाया जाता है कि यहाँ पर पंडाल में डिजाइन करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाए थे इन लोगों ने। आप मूर्ति के साथ साथ आप डिजाइन देख के भी आपका मन खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया नक डिजाइन है पंडाल का। और ये यहाँ पर प्रोग्राम करने का स्टेज है। और ये चारों तरफ दुकान है, गोलगप्पे का दुकान, बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे आपको, शॉप मिल जाएंगे छोटे छोटे। अभी सारे शॉप स्टार्टिंग पोजिशन में नहीं है, कल से सारे स्टार्ट हो जाएगा शॉप। ये कुछ इनको खाने जैसे बाहर में सब खाने का दुकान नहीं मिलता है तो बच्चों को खाने जल्दी भूख लग जाता है, इसलिए कुछ खा रहे थे ये। उसके बाद हम लोग 2 नंबर मार्केट आ गए थे, हमें कुछ सामान भी लेना था और कुछ काम भी था, इसलिए यहाँ से यहाँ पर आ गए थे हम लोग। ये मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये मैं थोड़ा टॉप व्यू दिखाने की कोशिश किया हुआ आपको। उसके बाद हम लोगों ने एक दशहरा का मेला घूमने के लिए आया था। आज फुल डे हम लोगों ने घूमा है, दो दुर्गा पूजा पंडाल देखा। अब ये जो देख रहा हूँ ये एक दशहरा का मेला लगा हुआ था, इसमें बहुत सारे झूले थे जो मैंने चढ़ा नहीं क्योंकि मुझे झूले से बहुत डर लगता है और मेरा तबीयत भी ख़राब हो जाता है। तो झूले में बच्चे को चढ़ाया, उन्होंने एक दो झूले में किया। और ये झूले के बगल में हो रहा था रामलीला, स्टार्टिंग नहीं हुआ था उस टाइम, स्टार्ट होने वाला था रामलीला एक जगह, उसके बाहर में ये सब सारे झूले डिफरेंट टाइप का झूले लगे हुए थे। और यहाँ पर वो बेलून फोड़ने के लिए बंदूक से वो भी लगा हुआ था। उसके बाद जो बच्चों लोग जो फ्रूटी रूटी वो फेंक के गोले में लेता है वो भी लगा हुआ था। बहुत सारे आइटम लगा हुआ था, सारे बच्चे के लिए ही था मेनली। बहुत सारे गाने भी बज रहे थे, इतना सही बज रहा था कि आपको लग तो मन में लग रहा होगा कि मैं कितना जल्दी यहाँ से निकलूँ, इतना लाउड साउंड था सबका। चारों तरफ से सब अपने अपने दुकान का एडवर्टाइज कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कौन क्या बोल रहा है। ये देखिए गुब्बारे वाले बैठे हुए जो बंदूक से, और ये जो फ्रूटी फेंक के गोले फेंक के फ्रूटी साबुन लेते हैं वो सब बैठे हुए थे। इन्होंने ट्राई किया लेकिन इससे एक भी कुछ नहीं हुआ।
मतलब दूर दूर तक उसका बगल में भी नहीं गया। ये देखिए तो सारे एक ही जगह में फेंक दिया है और इस टाइप से फेंक रहा था। यहाँ पर भी उस टाइप का कुछ गेम चल रहा था कि 10 पॉइंट तो फेंको फिर ये सामान मिलेगा, 10 पॉइंट तो वो करो ये मिलेगा, इस टाइप से। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से घर आ गए थे, बहुत थक गए। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि दुर्गा पूजा का पंडाल और दुर्गा पूजा मैं जितना हो सके मैं आपको दिखा सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।